भीम आर्मी तथा आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने लखवीर सिंह के परिवार वालों के साथ मुलाकात की तथा उनका दुख दर्द बांटा। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। लखवीर सिंह की बर्बर हत्या पर जमींदार मोर्चे को लेकर आप और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने चुप्पी साध ली, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद बिना किसी फायदे नुकसान के अपने समाज के साथ खड़े हैं। चंद्रशेखर आजाद से बात करते हुए लखवीर के परिवार ने बताया कि परिवार के किसी आदमी को लखवीर का चेहरा भी नहीं दिखाया, डीजल डालकर जला दिया गया। वे उसके लिए अरदास करना चाहते थे, लेकिन ग्रंथियों ने ऐलान कर दिया कि कहीं उसके लिए अरदास नहीं होने देंगे। लखवीर ऐसा नहीं कर सकता, सच सामने आना चाहिए। लखवीर सिंह के परिवार वालों का कहना है कि लखवीर सिंह कभी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी नहीं कर सकता, वो खुद गुरुओं को बहुत सम्मान करता था। आपको याद होगा कि सिंह बॉर्डर पर निहंगों ने एक दलित मजदूर शख्स को बेरहमी से मार डाला था, उसके साथ तालिबानी तरीके की हैवानियत को अंजाम दिया गया, यहाँ तक कि उसका एक हाथ तक काट डाला गया और उसकी लाश को सरेआम टांग दिया गया। निहंगों ने आरोप लगाया कि लखवीर सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की थी, इसलिए उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में 4 निहंग सिखों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इस समूचे मसले पर किसान आंदोलन द्वारा काफी निराश किया गया। इस घटना की निंदा तो दूर, उन्होंने इस घटना को धार्मिक मामला बता दिया। वहीं राकेश टिकैत ने सरेआम जातिगत जनगणना तथा आरक्षण का विरोध कर अपनी सामंतवादी मानसिकता का परिचय दिया। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर और एप्पल iOS ऐप स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखें यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।